नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पर अनायक की कार्रवाई में गिरफ्तारियां की गई हैं। आरटीओ ऑफिस का बाबू गिरफ्तार, सीतापुर से एक युवक भी गिरफ्तार किया गया है। खाते में ट्रांजेक्शन को लेकर छापेमारी की गई थी। महमूदाबाद में आरटीओ का बाबू गिरफ्तार किया गया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआई की कार्रवाई में गिरफ्तारी की गई है, आरटीओ ऑफिस का बाबू गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, आज देश भर में एनआई ने 8 राज्यों में से 70 जगहों पर छापे मारा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी छापेमार कार्रवाई की गई, जहां आरटीओ ऑफिस का बाबू गिरफ्तार हुआ है। सीतापुर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी, जिसकी जानकारी एनआई को थी, इनपुट मिले थे, जिसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई और छापेमारी में सीतापुर से एक युवक और आरटीओ ऑफिस का बाबू गिरफ्तार किया गया है। महमूदाबाद में आरटीओ का बाबू गिरफ्तार हुआ है। तो एनआई ने देश के 8 राज्यों में 70 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। एनआई की टीम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है और इसी के तहत लखनऊ में अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। आरटीओ ऑफिस का बाबू गिरफ्तार हुआ है, सीतापुर से एक युवक गिरफ्तार हुआ है। दरअसल खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर छापेमारी की गई। महमूदाबाद में आरटीओ का बाबू भी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एनआई की कार्रवाई में गिरफ्तारियां हुई हैं। आरटीओ के बाबू को गिरफ्तार किया है, वहीं सीतापुर के एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, आज देश भर के 8 राज्य में एनआई ने छापेमार कार्रवाई की और इसी के तहत आज लखनऊ से गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, पता बता दूं कि आज एनआईए की छापेमारी लगभग काफी समय से चल रही थी, तो वहीं सीतापुर में एक युवक भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि लखनऊ आरटीओ ऑफिस के बाबू है, वो भी यहाँ पे हिरासत में लिए जा चुके हैं। तो ये बता दें कि हिरासत में लेने के बाद, चूंकि काफी जांचें चल रही है, इनके जो बैंक के जो खाते हैं वो चेक किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो ट्रांजेक्शन है, किस किस से ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना हुआ है और कब से उनका ट्रांजेक्शन और कितनी लागत में हो रहा है, इन सब चीजों पर पूरा निगरानी रखी जा रही है। वही बता दें कि सीतापुर के महमूदाबाद है, वहां पर भी छापेमारी है, वहां पर भी आरटीओ का जो बाबू है वो भी हिरासत में लिए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो एनआईए टीम की छापेमारी चल रही है अलग अलग जिलों में, और कई अब तो चूंकि पकड़ में भी लोग आना शुरू हो चुके हैं, अब तक की 3 लोग की गिरफ्तारी बताई जा चुकी है और भी गिरफ्तार होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं एसआईटी टीम लगातार छापेमारी कर रही है, देखा जाए तो प्रदेश से भी कई जगह गिरफ्तारी की अभी खबरें भी सूचना में आ रही है, लेकिन पुख्ता जो जानकारी है वो अभी टीम को ही केवल पुष्टि की जा रही है। जी अब बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, आज एनआई की टीम ने दबिश दी है और कई ठिकानों पर दबिश दी गई। इसके साथ ही जो गड़बड़ियां निकल कर सामने आई थी उसे लेकर भी आज गिरफ्तारी हुई है। आरटीओ ऑफिस के बाबू को गिरफ्तार किया, सीतापुर से एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। महमूदाबाद में आरटीओ का बाबू गिरफ्तार हुआ है। खाते में ट्रांजेक्शन को लेकर छापेमारी की गई थी, जिसमें जो सबूत मिले उसके आधार पर अब जो बाबू को गिरफ्तार किया, साथ ही सीतापुर से एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई है।